गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिएगा, कल हमने आपको सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताए थे, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अपना चैप्टर नंबर 16 आरबीसी का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 16.1। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखो, फाइंड द टीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड दे रखा है, उसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसकी मेजर है 1295। देखो, अगर क्वेश्चन में इस फॉर्म में अगर तुम्हें वैल्यू दे 12 × 9 × 5 और वो ना बोले कि लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी, हाइट कौन सी है, तो सीधी सी बात है, आप फर्स्ट वाले को एल मानोगे, सेकंड बी मानोगे और थर्ड क्या मानोगे, एच मानोगे। एल बी एच फॉर्म में होती है ये। अगर ये ना बोले कि लेंथ कौन सी है तो किस फॉर्म में मानोगे इसको, एल बी एच, मतलब फर्स्ट वाली एल, सेकंड बी और थर्ड एच। ठीक है, इसमें अपने को दे रखी है मेजर, एल 12 है, बी कितनी है 9 है, एच कितनी है 5 है। देखो मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूँ। क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगुलर फेस होती है इसकी, और क्यूब में स्क्वायर फेस। ठीक है, ये अपना एक क्यूबॉइड है, ये इसकी लेंथ है। लेंथ बेटा कितने दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ। और हाइट कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबॉइड है ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। और जो ब्रिथ है उसकी, ये कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये वाली, ये क्या दे रखी है आपको, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ये अपना एक क्यूबॉइड है, इसका अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है और टीएसए फाइंड करना है। तो देखना बेटा, वॉल्यूम फाइंड करते हैं अपन पहले इसका। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू सॉरी एच, एल, एल कितना 12 इंटू बी, बी कितना 9 इंटू हाइट कितनी 5। और क्या करना है लास्ट में, देखो सेंटीमीटर क्यूब लगाना है बेटा। वॉल्यूम जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होता है, क्यूबिक। एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। ठीक है, और ओनली डिस्टेंस होती है उसकी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने सेंटीमीटर क्यूब लगा दिए। कैलकुलेशन करना, 12 × 108 × 5 cm³। 108 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 5 = 40 इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 540 cm³ होगा। अपन बात करते हैं बेटा टीएसए की, किसकी बात करते हैं, टीएसए की, टीएसए ऑफ वॉल्यूम। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, कल बताया था मैंने आपको, 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, अब देखना, 2 × LB, LB मतलब अरबी नहीं, LB, 12 × 9 प्लस BH, 9 × 5 प्लस HL, HL मतलब 5 × 12। ठीक है, अब देखना, 2 × 12 × 108 प्लस 9 × 5 = 45 प्लस 12 × 5 = 60। 2 मल्टीप्लाई ऐड करो सबको, 5 × 8 = 13 कैरी पाई 1, 7 × 4 = 11 का 1 कैरी पाई 1, 1 × 1 = 2, 2 = 13। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 426 एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपका आज का होमवर्क ये है, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ आपको, और आपको क्या फाइंड करना है, टीएसए एंड वॉल्यूम, और इसके साथ एक चीज और फाइंड करनी है, वो क्या है, इसका LSA, LSA बोल दो या फिर CSA बोल दो, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। अगर CSA क्या होता है, मान लेना कि इसकी जो रूफ है वो नहीं है, ना इसका फ्लोर है, ओनली फोर वॉल्स है,
ठीक है। तो आपको सीएसी भी फाइंड करना है इसका। मैं इसकी मेजर चेंज करके देता हूँ आपको 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में आपको टोटल कोर्स फाइंड करनी है इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। इस पूरे क्यूबॉइड को बनाने में कितनी लागत लगेगी ये भी फाइंड करनी है। अगर आपको दे दिया कि 7 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका खर्चा आता है, तो इस पूरे क्यूबॉइड को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें एक फाइंड और करना है, वो है टोटल कॉस्ट। ओके बच्चों।